आज लोग जो ड्रेसलेस थे। देखिए तबलीगी जमात के बारे में बहुत सारे अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और मैं इससे क्या समाज में आपसी भेद पैदा होने का खतरा है। मैं सीधी बात बता देता हूँ, देखो चार लिस्ट आई, मैं कई बार बता चुका हूँ 86, उसमें से एक आदमी है हमारे यहाँ, कोई आदमी है ही नहीं, बाकी तो दिल्ली में ही क्वारंटाइन है। 57 विदेशियों की लिस्ट आई, सिर्फ 10 आदमी हमारे यहाँ कोई नहीं है, उसकी पहचान कर ही ली गई है। 7 फिर बिहार के लोगों की लिस्ट आई जो बॉम्बे से आए, तो वो यहाँ नहीं है, फिरोजाबाद में क्वारंटाइन हो गया है। 2 और बंगाली लोगों की लिस्ट आई थी जो बिहार में आए हैं, उसमें से भी एक आदमी केवल बिहार में, एक देवघर में क्वारंटाइन है, तो ये सूची खत्म हो गई। अब जिस डंप डाटा एनालिसिस से भेजे गए 400 आदमी की सूची, उसमें से 307 आदमी तो दिल्ली में ही है, यहाँ आया ही नहीं, और उसमें से 49 आदमी झारखंड का, आया ही नहीं कोई यहाँ पर। यहाँ पर तो 20-22 लोग आए, सब आइडेंटिफाइड हो गए, क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो हम लोग पूरा पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, मुख्य सचिव, हम, स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, सब मिलकर के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दहशत फैलाने से और झूठ की अफवाह फैलाने से समाज में फिरका परस्ती बढ़ेगी, ये ठीक नहीं है। सब समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं यही बात बार बार कर रहा हूं। बिहार की सारी मस्जिदें बंद हो गई, कहीं लाठी पीटा गया क्या? मंदिर बंद हो गए, चर्च गुरुद्वारा बंद हो गए, कहीं पुलिस ने लाठी पीटा क्या? सबका सहयोग, सबने अपने बंद कर लिया, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, सब खुद ही बंद हो गए और सबने बंद कर लिया। एयर इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, पैसेंजर इस तारीख को एक पैसेंजर आया था पॉजिटिव, नहीं वो एक पैसेंजर के बारे में आते, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। कितने साथ हैं सर, वो सूची है, उसकी जांच हो रही है। मतलब तबलीगी समाज का मामला परेशानी का सबब नहीं है बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए परेशानी